रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 5 बाघ भेजे जाएंगे। राजाजी नेशनल पार्क बाघों को पकड़ने का कार्य शुरू हुआ। बता दें कि कॉर्बेट पार्क में 5 बाघों को जल्द ही राजाजी टाइगर रिजर्व में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिसके लिए बाघों को पकड़ने का कार्य शुरू हो चुका है। बता दें कि कॉर्बेट पार्क के बाघ अब जल्द ही राजाजी टाइगर रिजर्व जाएंगे, इसके लिए कॉर्बेट में 5 बाघ भेजने का कार्य चल रहा है। दरअसल राजाजी के वेस्टर्न पार्ट में बाघिन अकेली पड़ी है, जिसके चलते उस क्षेत्र में बाघों का कुनबा नहीं बढ़ पा रहा है, इसलिए कॉर्बेट में 5 बाघों को राजाजी टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जाना है। इस विषय में जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि 5 बाघों को राजाजी नेशनल पार्क के कॉर्बेट से शिफ्ट किया जाना है, जिनको पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। राहुल कुमार ने बताया कि 5 बाघों को कुछ महापूर्व भारतीय वन्य जीव संस्थान वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की टीम द्वारा दिल्ली से कॉर्बेट पार्क आकर आइडेंटिफिकेशन कर लिया था। वहीं अब इन दिनों इन बाघों को ट्रैंक्विलाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। जो टीम इन बाघों को ट्रैंक्विलाइजेशन के करने के लिए पार्क से अलग अलग जोनों में डॉक्टर एवं एक्सपर्टों के साथ इन बाघों की तलाश कर रही है, जिनको देखते ही बेहोश करके राजाजी नेशनल पार्क भेजा जाएगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और इसके लैंडस्केप से 5 टाइगर जो हैं वो राजाजी टाइगर रिजर्व के वेस्टर्न एरिया में शिफ्ट किए जाने हैं। उसके लिए NTCA द्वारा अप्रूवल भी दिया गया है और एक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उस दिशा निर्देश को फॉलो करते हुए सारी तैयारियां इसमें की जा चुकी हैं। अभी जो है टीम जो है वो मौके पे है और जो भी आइडेंटिफाइड टाइगर्स हैं जो प्रोटोकॉल के हिसाब से निर्धारित किए गए हैं उनको हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं, और जब ये टाइगर्स ट्रैंक्विलाइज हो जाएंगे और रेस्क्यू हो जाएंगे तो उसके बाद इनको राजाजी टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जाएगा।